बॉलीवुड में कुछ ऐसे सितारे थे जिन्हें कोई कभी नहीं भुला सकता। उन एक्टर्स में से एक इरफान खान थे, जो 29 अप्रैल 2020 के दिन दुनिया को अलविदा कह गए थे। इरफान बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे और अपनी बातों को खुलकर कहना पसंद करते थे। 7 जनवरी 1967 को इरफान खान का जन्म एक पठान मुस्लिम परिवार में हुआ था। 29 अप्रैल 2020 को इरफान खान के निधन की खबर आई तो ये झटका ना सिर्फ उनके परिवार को लगा, बल्कि उनके लाखों चाहने वालों का भी दिल टूट गया। इरफान अपने पीछे पत्नी सुतापा और दो बेटों को छोड़ गए। इरफान का जब एडमिशन जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हुआ था, उसके कुछ समय बाद ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। वह इरफान के निधन के ठीक 4 दिन बाद ही उनकी मां का भी निधन हो गया। ये सोच के हम मर जाएंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हम तो बीज हैं। हमारा दफन होना हमारी विलादत। सदियों में कभी कोई ऐसा एक्टर आता है जिसकी छाप सदियों तक बरकरार रहती है, उसमें से एक है इरफान। पर्दे पे उनका प्रेजेंस ही काफी है। आंखों से सारे डायलॉग बोल देने वाला ये जादूगर कलाकार, देश हो या विदेश, दोनों ही जगह इनके चाहने वालों की कमी नहीं। कोई भी किरदार, हंसाना हो, रुलाना हो या डराना, कैसी भी कहानी, अगर इरफान है तो उसमें जान है। लोगों को हक जमाना आता है, रिश्ता निभाना नहीं।